Gibi bir müzik kest. Yeke kaldı. Ney? कुछ बेसिक टूल्स हैं लगभग सबको अच्छे से पता होता है इसको थोड़ा फिल्टर करने के लिए फाइव एंड टेन हाउ डू चेक विद नंबर इफ यू द राइट टू और फाइव और टेन यू जस्ट चेक लास्ट डिजिट राइट इफ द लास्ट डिजिट इज जीरो और टू और फोर और सिक्स और एट यू जस्ट राइट टू सिमिलरली फॉर फाइव इट शुड बी जीरो और फाइव फॉर टेन इट शुड बी जीरो द सेम मेथड or the test method can be used to find the remainder also. For example, if it is 342 into 7569 divided by 5, what is the remainder? There is some remainder. Lini kya hota remainder ka maalum hai? Kya karte hain? Individually pehle divide karte hain. Theek hai? Aur individually bhi sirf unit digit dekhna because 5 se divide karte hain. 5 ka jo method hai wo hai last digit. So isse remainder 2 aayega? Isme bhi sirf last digit dekhna hai. कितना हो गया? 8 into 8 into because original input है multiplication है यहाँ पे भी remainder के बीच में multiplication आएगा कितना हो गया 8 but 8 बड़ा है remainder has to be always smaller than the revised set ठीक है 0 से बड़ा हो सकता है 8 divided by 5 remainder is 3 तो ऐसे कितने भी numbers हो सकते हैं suppose if it is 3 5 7 6 into 1 1 4 8 into 3 4 5 2 divided by 10 find remainder इसके लिए 6 आएगा इसके लिए 8 आएगा इसके लिए 2 आएगा 10 के लिए as it is 3 number है so if you multiply 96 to 6 so the remainder will be equal to 6 so only in some cases like in these 3 cases we can apply the same method to find remainder also ठीक है बाकी next one 3 and 9 उनके लिए क्या रूल होता है sum of digits 3 and 9 इनके लिए होता है check sum of digits. So if sum of digits is divisible by 3, then the number must be divisible by 3. Similarly, if the sum of digits is divisible by 9, number must be divisible by 9. So suppose that's how 3, 4, 5, 1, 7, 6, 2, 8, 9. Check whether this number is divisible by 3 or not. No. Yes. So add the digits. So 3, 4, 5, 12, 13, 20, 26, 28, 36, 45. So 45 is divisible by 3. So this number is divisible by 3. 45 is divisible by 9. So this number is divisible by 9. Okay. That's all. अगर मान लो ऐसा हो, ये वाला. Now, whether it is divisible by 3 or 9 or what? Yes. अभी जब इसको add करो, ये आएगा. 42. सबका बयान. 42. So it is divisible by 3. कैसे possible है? बहुत सारे ऐसे नंबर है 3 है 6 है 12 है 15 है राइट 21 है 24 है ये सब 3 से डिविजिबल है बट 9 से नहीं दैट्स पॉसिबल बिकॉज़ 9 इज 3 इनटू 3 3 से दो बार डिविजिबल होगा तो 9 से डिविजिबल होगा ठीक अच्छा लेकिन अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो 7 5 6 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 9 फाइंड रिमाइंडर अब 3 और 9 के लिए भी ऐसे ही होता है जो उसका डिविजिबिलिटी टेस्ट है वही रिमाइंडर निकालने के भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऐड ऑल द डिजिट्स कितना होगा 7 upon 12 6 upon 33 डिवाइड बाय 9 विल बी द आंसर वो भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है 3 प्लस 3 6 3 प्लस 3 6 ठीक है सो 9 से डिवाइड करने के लिए अगर रिमाइंडर फाइंड करना हो तो बहुत आसान है जस्ट गो ऑन एडिंग द डिजिट्स व्हाटएवर नंबर यू गेट अगेन ऐड द डिजिट्स Go on adding till the time you get a single digit number. ठीक है। क्योंकि 9 के लिए जो remainder होगा वो 0 से लेके 8 तक होगा। ठीक है। तो इसका आंसर 6 हो गया। इसमें भी अगर इस तरह से हो, जैसे 274 into 115683 divided by 9 multiplication find the remainder. तो पहले दोनों के individually अलग-अलग निकालें। तो इसके लिए क्या होगा अभी 9 वाला रूल लगेगा 5 वाला नहीं 9 वाला राइट तो ऐड कर लीजिए 2 7 9 8 13 3 और 1 4 तो 4 आ गया 2 और 5 7 6 13 और 8 21 और 3 24 6 तो 6 आ गया तो 4 into 6 24 24 के लिए 2 plus 4 6 आ गया जहां मल्टीप्लिकेशन है वो मल्टीप्लाई करना है जो भी नया नंबर है उसमें डिजिट ऐड करते जाना है ठीक है 9 के लिए इस तरीके से अब आ जाओ 4 के लिए 4 के लिए क्या होता है चेक लास्ट टू डिजिट्स
और जो रूट 4 के लिए होता है वो 20, 25, 50 और 100 के लिए भी होता है, रिमाइंडर निकालने के लिए, डिलीवरी टेस्ट करने के लिए। उसकी वजह होती है, अगर आप किसी भी नंबर में से, जैसे अगर ए बी सी डी, दिस इज अ 5 डिजिट नंबर, इसमें से अगर आप लास्ट 2 डिजिट अलग करो तो कैसा दिखेगा? ए बी सी इंटू 100 प्लस डी ई, ऐसा दिखेगा। अगर ये सिंगल डिजिट अलग करते हैं वो इंटू 10 होता है, ठीक है। नाउ दिस 100 इज डिविजिबल बाय ऑल ऑफ दीज नंबर्स, सो अगर इनमें से किसी से भी डिवाइड करना हो इस नंबर को तो ये तो डिवाइड हो जाएगा ना, तो अगर कुछ रिमाइंडर आएगा तो उसे लास्ट के 2 डिजिट से आएगा। सो जो रूल 4 का है वही 20 का, वही 25 का, वही 50 का, वही 100 का, डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए भी और रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल यही नंबर ले लो, 274 into 11683 divide by 20, find remainder. So, कितना भी बड़ा नंबर उसे फर्क नहीं पड़ता, just check only the last two digits. So, 74 divide by 20, 14. यहाँ तो divide करना पड़ेगा, digits addition सिर्फ 9 में होगा, तो 74 divide by 20, remainder 14. इसके लिए 83, remainder 3, 14 3's are 8, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर नहीं होता है। 17 या माइनस हम कैसे ऐसे बोल रहे हैं, यू कैन टेक द रिमाइंडर टू बी नेगेटिव इन द इंटरमीडिएट स्टेज, फाइनल आंसर नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, ठीक है। सो 24 के लिए आप माइनस 1 ले सकते हो, माइनस 1 इनटू 8 इज माइनस 8, बट उसमें आपको जो डिवाइजर है वो ऐड करना होगा, सो आंसर विल बी 17। सो 25 के लिए रिमाइंडर हो गया 17, ठीक है। सो 2 5 10, 3 9 4 फैमिली, वो सबके लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट ही रिमाइंडर के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ 8 के लिए कैसे चेक करते हैं, जैसे 8 के लिए चेक करोगे वैसे ही आप 1000 के बाकी फैक्टर्स के लिए भी करोगे। व्हेन यू से चेक लास्ट 3 डिजिट्स, उसका मतलब क्या होता है, अगर आप लास्ट 3 डिजिट अलग कर देते हो नंबर में से, दैट मींस द रिमेनिंग पार्ट इज डिविजिबल बाय 1000, उसमें और क्या क्या आ सकता है, 8 आ जाएगा, 125 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, है ना, 200 आ जाएगा, 500 आ जाएगा एंड 1000 आ जाएगा। तो इन सब के लिए 250 भी आ जाएगा। ये सब का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो सब लास्ट 3 डिजिट का ही रहेगा, ठीक है। और एक चीज, वी नो द मल्टीपल्स ऑफ 8, उसमें भी 8 5 टाइम्स कितना होता है, 40 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 80, 120, 160, 200, देन 200 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, दूसरा वाला चेक करोगे, लेकिन जो चेक करना होगा हमेशा 100 से कम होगा, बिकॉज यू ऑलवेज मस्ट यू वर्क ऑन दी नियरेस्ट नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल 468, so nearest is 400, so it always be plus something or minus something, ठीक है ना? So 400 को ऐसे हटा दो, बचा क्या 68 is not divisible, so this number is not divisible. 68 is not divisible by 8. 64 would have been divisible by 8. ठीक है? Okay. So ये हो गया 8 की कहानी। ये बताओ 936 is it divisible by 8? Yes. So 1000 minus 64. अब वो subtraction जल्दी होना चाहिए। अगर उसमें भी आपने enjoy करना शुरू कर दिया तो कुछ problem है। ऐसा फिर एक डंडा, फिर minus sign, फिर इधर, तो फिर time उतना ही लग जाएगा। Rather divide, right? आज से normally divide करो। हाँ, अगर 40 के multiples के हिसाब से देखें, तो 93, so 92, यानी 920 plus 16 ऐसे भी break कर सकते हैं। ये इसके लिए table थोड़ा ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए।
पहले वाले में क्या था, टू डिजिट का डिफरेंस आएगा दैट यू कैन ऑलवेज चेक इजीली. ओके, एक और होता 136 सिंपल वाला, इज दिस डिविजिबल बाय? इसी तरीके से 16 का रूल क्या होगा, अगर आपने नोटिस किया हो, 2 का रूल क्या था, लास्ट डिजिट, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट, 16 के लिए लास्ट 4 डिजिट, ऐसा चलता जाएगा. ठीक है, और जो 16 के लिए होगा वो और किसके लिए हो सकता है, 2 और 5 का साथ में चलता है, तो हायर पावर. फॉर एग्जाम्पल 250 यहाँ पे किसमें आएगा, 250 को फैक्टराइज करोगे तो आएगा 5 क्यूब and 2 raise to 1, so 5 to kaha hai ye wala, so jo 125 ka rule hoga wahi 250 ka bhi hoga, but aisa sirf 2 or 5 ki combinations ke liye, 3 mat dal dena. theek hai, 50 kis mein aayega, wo already jante hain hum, 25 ke sath 50 aa jayega, because 5 square into 2, 40 kaha pe aayega, 8 ke sath, because 2 cube into 5, 200 kaha pe aayega, again 2 cube into 5 square, 2 cube zyada hai, 8 ke sath aayega, right, so 40 bhi isme aayega, 200 bhi isme aayega. ठीक है, 32 के लिए लास्ट 5 ठीक, उतना बड़ा होता नहीं है, बट तो जैसे सेम पैटर्न बन रहा है इसके हमने चेक किया. अब आ जाओ नेक्स्ट जो है अदर प्राइम नंबर्स. इनफैक्ट रूल अगर बनाना तो प्राइम नंबर के लिए बनाएंगे, बिकॉज कॉम्पोजिट नंबर होगा तो हम उसके लिए अलग तरीके से चेक करेंगे. 6 है, 6 क्या होता है, 2 इंटू 3. So if a number is divisible by both 2 and 3 simultaneously, then only it can be divisible by 6. ठीक है, let's take a question. अगर हम बोलते हैं 7569xy या x8y is divisible by, let's say 12, find the values of x and y, या simply find x plus y. ये question है, this is a valid question. So find x plus y if this number is divisible by 12. So first question is, how do you check whether number is divisible by 12 or not? 12 के लिए आपको 12 का डायरेक्ट रूल नहीं होता है. 12 का इस प्रकार से ब्रेक करो कि जो जो नंबर हम ब्रेक करके लेते हैं उनका रूल मालूम हो, आसान हो, और उनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो. अगर ओवरलैप होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, बिकॉज़ दिस इज फॉर एलसीएम, राइट. सो 12 को इस तरह से ब्रेक करो, 3 इंटू 4. See, अगर 2 into 6 ब्रेक करोगे तो वापस 6 के लिए 2 into 3 करोगे, तो नथिंग शुड बी रिपीटेड. अगर रिपीट हो गया तो उसका कोई फायदा नहीं. ठीक है, तो जब भी आप ब्रेक करते हो इस तरह से ब्रेक करो जिनमें आपस में कोई कॉमन फैक्टर ना हो. अच्छा, जब भी ऐसे कॉमन फैक्टर नहीं होने वाले पेयर जो होते हैं ना, उनको कोप्राइम बोलते हैं. ये अलग से लिखो, कोप्राइम इज अ वर्ड. कोप्राइम इज ऑलवेज पेयर और मोर देन 2 नंबर्स, मोर देन 1 नंबर्स. सो कोप्राइम का मतलब होता है नो कॉमन फैक्टर. नो कॉमन फैक्टर टेक्निकली बात गलत है, क्या बोलना चाहिए, अदर देन 1, क्योंकि 1 तो यूनिवर्सल फैक्टर है सबका. सो कोप्राइम पेयर्स होना चाहिए, यानी जो भी जिसका भी आप चेक करना चाहते हो उसको कोप्राइम में ब्रेक करो. ठीक है, हो सकता है 2 से ज्यादा भी हो. फॉर एग्जांपल टेक्निकली अगर 30 के लिए चेक करना हो तो किसके किसके लिए चेक करेंगे, 2 के लिए, 3 के लिए एंड 5 के लिए, बट क्योंकि 2 और 5 का रूल सेम होता है उसको हम साथ में रख के 10 एंड 3 चेक करेंगे. 10 के लिए तो सिर्फ घूर के देखना ही होगा ना, 3 के लिए डिजिट ऐड करना होगा. चलो इस क्वेश्चन में वापस आता हूं. अच्छा एक चीज और, जब 36 के लिए चेक करना हो तो कैसे करोगे, how will you check whether number is 9 and 4? Correct, you will have to check for 9 and 4. 6 into 6 doesn't make sense. 1 6 se kar liya to dusre 6 se kya karoge, so 9 and 4 alag alag karna hoga. Agar 88 ke liye check karna ho to kaise karoge, very good. Chalo ab ye question dekho, 3 and 4 pehle kiske liye karenge, 4 ke liye, to sirf appearance chahiye hota hai. Appearance kya hai yahan pe, 8y. So 8y, तो ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल होता है विद 8 एंड 10 स्पेस, 0 4 8. सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज फॉर y. ठीक है, एक बार 0 रख लो, एक बार 4 रख लो, एक बार 8 रख लो, चेक करो 3 से डिविजिबल कब होता है. ठीक है, इनफैक्ट ये डायरेक्टली भी कर सकते हो, इस पूरे का डिजिट्स ऐड करो तो 7 5 12 4 18 9 27 और 8 35, सो दे 35 प्लस x प्लस y. ठीक है ना, दिस नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3. अब अगर मैं y को 0 डालता हूं तो क्या हो जाएगा, ये 35 प्लस x
अगर मैं वाई को 4 रखता हूँ तो ये 35 प्लस 4 39 प्लस 6 और अगर मैं वाई को 8 रखता हूँ तो ये 35 प्लस 8 43 प्लस x ऐसा होगा। ये तीनों नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? एक से ज्यादा हो सकती है, ध्यान से सोचो। यहाँ पे x के लिए क्या क्या ले सकते हो आप? x के लिए आप 1 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 7 ले सकते हो। ऐड करके देख रहे हैं कुछ और रास्ते हो रहे हैं। 35 प्लस 1 36, 35 प्लस 1 39, 35 प्लस 7 इज 42 और अगर डिवाइड बाय 3, ठीक है। अच्छा दूसरे वाले में इसके लिए एक सी वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 39 प्लस 6 0 3 6 9 39 प्लस 9 इज 48 राइट, इट्स अ सिंगल डिजिट नंबर, ठीक है ना। अच्छा यहां पे 43 प्लस 6 इसके लिए 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है। उसमें मेरा ध्यान से देखो 3-3 का डिफरेंस होना चाहिए ना, ऑब्वियस बात है, ठीक है। सो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने? वेरी केयरफुली अगर मैं एक्स और वाई के टेबल जैसा बना दूं, फिलहाल वाई के लिए अगर मैं 0 रखता हूं तो एक्स के लिए 1 रख सकता हूं, 4 रख सकता हूं, 7 रख सकता हूं, ठीक है। वाई 0 के लिए एक्स की 3 वैल्यूज, अगर वाई को 4 रखते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 3 6 9 फिर लास्ट में 8। अगर मैं वाई को 8 रखता हूं तो एक्स के लिए 2 5 and 8, then you come to the values of x and y. So what are the possible values of x and y? X plus y, check karo. 1 So pehle wale se 1 4 7 4 7 10 13 10 13 16. So I think 1 4 7 10 13 16, ye bhi mazedar pattern hai, dekho zara सब में 3-3 का डिफरेंस है, क्योंकि वो सम ऑफ डिजिट्स तो डिविजिबल होना ही चाहिए था और x plus y ही पूछा है। बट द पॉइंट इज टिल द टाइम यू रीच हियर यू कांट से एनीथिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। सो अ बेटर क्वेश्चन वुड बी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट द वैल्यूज ऑफ x plus y, स्टिल यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स एंड देन यू कैन चेक इट। उससे पहले नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा अभी यहां पे 20 की जगह 36 भी हो सकता था, 88 हो सकता था, मेथड बदल जाता, लॉजिक सेम रहता। लॉजिक तो यह डिविजिबिलिटी से चेक करो, इक्वेशन बना, वैल्यू सॉल्व करो, वैल्यू अपने तरफ से डाल के चेक कर सकते हो। तो ऐसे दो वेरिएबल होगा तो दो इक्वेशन अब बनेगा नहीं, हमें पता है कि उसमें क्या वैल्यू ऐड करके आना चाहिए। अच्छा अभी अगला 11 का, 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? 3 1 7 4 3 5 6 8 9 9 7 2 सो क्या करते हैं, लाइक फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस, इनको हम ऑड प्लेसेस बोल सकते हैं, ठीक है। सो सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, उन सबको एक साथ ऐड करो, बेसिकली ऑर्डिनेट डिजिट्स, फर्स्ट से शुरू करके ऑर्डिनेट डिजिट्स, फिर जो बाकी रह गए उनको क्या बोलोगे? सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, वो दोनों वो सारे ऐड करो। ऐड करने के बाद ये जो दो वैल्यूज मिली उनका डिफरेंस, that difference should be either 0 or multiple of 11. This difference should be either 0 or 11k. ऐसा होना चाहिए। हाँ वो negative जरूर हो सकता है। ठीक है। तो 3 और 7 10 और 3 13 और 6 19 और 9 28 7 35 और ये 1 और 4 5 5 10 8 18 और 27 और 2 तो this is 6. ठीक है। Now a simple question, what should be added to this number to make it divisible by 11? 5. 5. What should be added to this number? Now, यहाँ से देखना पड़ेगा. Guess नहीं करना यहाँ से. यहाँ से देखना पड़ेगा. What is the difference here? How do you calculate difference? 35 minus 29. ये क्या आ जाए? ये क्या आ जाए तो divisible हो जाएगा. Zero. अगर ये zero आ जाए तो divisible हो जाएगा. अच्छा. इसको zero लाने के लिए इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको बढ़ाने के लिए कितना बढ़ाना है? 6 बढ़ाना है। नाउ दिस इज डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, किसी भी नंबर में जब हम कोई एडिशन करते हैं तो शुरुआत कहां से करते हैं? एंड से। ओ सो इस वाले ग्रुप का लास्ट डिजिट देखो कहां पे, इस वाले ग्रुप का लास्ट डिजिट कहां पे, तो उसमें 6 ऐड कर देंगे, राइट। सो 6 ऐड करने से हो जाएगा। ये इस बात को समझो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पे तो आपने गेस कर दिया सही हो गया, राइट। ये इवन दोनों में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, ऐसा देख रहे हो दोनों ग्रुप्स में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है, इसलिए ऐसा हो पाया। अगर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स और होता तो ऐसा नहीं कर पाते, फिर वो डिफरेंट अलग तरीके से होता, वो ध्यान रखिए करना, ठीक है।
बेसिकली यहां से नहीं देखो, यहां से देखो कि किसमें ऐड करना होगा, ठीक है राइट। तो यहां पे जीरो लाने के लिए 29 को 35 बना सकते हैं, उसके लिए 6 ऐड करना होगा, उसके लिए इस वाले डिजिट में 6 ऐड करना, यानी एडिशन हैज टू बी ऑफ 6, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका बड़ा सिंपल है, ऐड कर दो ऑप्शंस और फिर चेक कर लो कब इलेवन यूज कर राइट। ठीक है, ये हो गया 11 के लिए। हाँ, व्हाट अबाउट अदर प्राइम नंबर्स, इज देयर एनी चेकिंग, इज देयर एनी मेथड फॉर लेट्स से 7 13 इन सब के लिए होता है क्या? नहीं होता है, सभी प्राइम नंबर के लिए रूल होता है। सभी नंबरों के लिए रूल होता है, ठीक है। किसी का अपना रूल होता है, किसी का कॉम्बिनेशन का रूल होता है, 6 का अपना रूल नहीं, और वो 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर प्राइम नंबर्स व्हाट यू कैन डू इज, तो एक काम करता हूँ, कैसे होता है वो बताता हूँ, क्यों होता है नहीं बताऊंगा, चलेगा? कैसे करना है, जैसे 7 का टेबल लिखो फटाफट, और जहां पे वन एंडिंग नंबर आ जाए रुक जाओ, 21 फोकस ऑन 21, नॉट 3 times, फोकस ऑन द नंबर, वो कितना मल्टीपल है वो छोड़ दो। जस्ट लुक एट दिस नंबर, दिस इज अ नंबर व्हिच इज इन टेबल ऑफ 7 व्हिच इज एंडिंग इन 1, इसको हटा दो 1 को, क्या बचा 2। ओके, सो रूल कैसा बनेगा, तो सपोज यू हैव टू चेक 2744, चेक whether it is divisible by 7 or not, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करेंगे, सब सभी प्राइम नंबर्स का जो स्ट्रक्चर ऑफ मेथड है एग्जैक्टली सेम है, कैसे, लास्ट डिजिट को अलग करना है, देन मल्टीप्लाई बाय समथिंग, ठीक, एंड देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर, लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय समथिंग एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर, ऊपर ही लिख देता हूं, फॉर ऑल प्राइम नंबर्स this is the method or this is the structure of method, last digit multiplied by something and then subtract from the remaining number. ये जो आउटकम आना चाहिए वो या तो जीरो आना चाहिए या उस प्राइम नंबर का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है, ओके ठीक है, उस प्राइम नंबर का मल्टीपल आना चाहिए या जीरो आना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय समथिंग, समथिंग यू हैव टू डिफाइन, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा अभी। स्ट्रक्चर समझ में आया, सभी प्राइम नंबर का रूल का स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा, क्या बदलेगा, क्लियरली जो ये समथिंग है वो बदलता जाएगा, 7 के लिए समथिंग क्या है 2, किसी भी प्राइम नंबर के लिए समथिंग क्या होता है, टेबल में वन एंडिंग नंबर का फर्स्ट पार्ट, टेबल में वन एंडिंग नंबर का फर्स्ट पार्ट, सबका रूल एक साथ बन गया। सो 7 के लिए रूल क्या बना, 7 के लिए रूल बना जैसे 2744 है, 7 के लिए चेक करना है, लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2, कितना होता है 8, इसमें से बाकी में से सब्ट्रैक्ट करना है, 274 माइनस 8 इज 266, अगर एक बार में नहीं पता चला तो ऐसे करते ही जाओ, ऐसा करते ही जाओ, क्या होगा 6 इंटू 2 कितना बनेगा 12, 26 माइनस 12 कितना होगा 14, दोबारा देखो 2744 चेक करना है कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है, 7 का रूल हमने क्या बनाया, 7 का टेबल हमने अपने मन में पढ़ा, अभी डिलीट कर देता हूं, किसी भी नंबर का टेबल अपन में पढ़ सकते हो अगर याद हो तो, उसे वन एंडिंग वाला नंबर वन हटा के जो पार्ट बचता है वो मल्टीप्लाई करना होता है, दैट इज द समथिंग, ठीक। तो 7 के लिए 2 मल्टीप्लाई करना है लास्ट डिजिट, तो कितना आ गया 14, सबट्रैक्ट करना है वी गेट 8, सो वी गेट 266 राइट। क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है, अगर ये डिविजिबल है तो ये भी होगा, अच्छा ये अभी भी बड़ा है नहीं पता, दोबारा सेम प्रोसेस अप्लाई कर दो, so 6 into 2 कितना हो गया 12, 26 minus 12 is how much 14, is this divisible by 7, yes, so this is also divisible, this is also divisible, ऐसे पिटाई होनी चाहिए, 14 का क्यूब है तो definitely divisible होगा 7 से, 2744 is equal to 14, हाँ 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है। Let's check another one, 231, check whether this is divisible by 7 or not, yes. So this is 1 into 2, that is 2 subtract 41. This is the best. ठीक है? फिर अगर मान लो ऐसा हो, 30625. Check whether this is the best 7 or not. क्या चेक करना है, लास्ट डिजिट में कुछ मल्टीप्लाई करना है yes. और बचे हुए नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है, अगर सब्ट्रैक्ट करके
जो आउटकम है डिविजिबल आता है और हमारा नंबर डिविजिबल हो सो 5 के लिए इनटू 2 सो दिस 10 सो दिस 3052 2 के लिए इनटू 2 दैट इज 4 3011 के लिए इनटू 2 सो दैट इज 8 ये डिविजिबल सो 301 इज डिविजिबल यस यस ये सारा डिविजिबल होगा 7 से तो ये हो गया 7 के लिए लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2 इनटू मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सबट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग द आउटकम विल बी आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ दैट नंबर जैसे 7 के लिए 7 से डिवाइड होना चाहिए 13 के लिए रूल क्या होगा 9 13 के लिए 9 13 के टेबल में एक नंबर आता है 9 3 1 क्या बोला था कौन सा मल्टीपल है वो नहीं देखना 1 हटा दो क्या बचा 9 कैसे होता है वो सीख लो क्यों होता है अभी छोड़ दो अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बस ये पता होना चाहिए इसके लिए 9 से करना है सो अगर मान लो एक नंबर है Let's say 2197. Check whether this is divisible by 13 or not. 13. Yes. अब ये सब अगर चेक करोगे तो जरूर पिटाई होनी चाहिए 13. This is 13. Okay, चलो anyway. So last digit 9 multiply 63 subtract. So 9 minus 3 6 plus 15 156. अगर नहीं पता तो into 9 6 9 is 54. 15 minus 54 is minus 39. Don't worry about the minus sign. Number कितना आया? 39 is divisible by 39. So this number is divisible by 39. 169 चलो चेक करो. Yeah. अच्छा रूल सही है कि नहीं वो तो चेक करो. चेक करो रूल इसका करना. Yeah. So 9 is 81. So So किसी भी प्राइम नंबर का रूल इस प्रकार से बनाया जा सकता है और इस्तेमाल किया जा सकता है किसी का भी जैसे 31 चेक whether the number is divisible by 31 or not. The number is 4796. So 31 खुद ही one ending है. So last digit multiply by 3 and subtract. 11 खुद ही number ending one था. इसीलिए उसमें last digit multiply by 1 and subtract था. और वो alternate positive negative इसी वजह से आया. हाँ लोग जो अच्छे से आता है उसमें complicate नहीं करेंगे. तो नया सीखता हूँ यहाँ से. नहीं 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 है. It's okay. बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं नहीं क्यों होंगे क्वेश्चन पूछा ठीक है सो लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 3 ओके सो 6 इनटू 3 दैट इज 18 479 माइनस 18 1 एंड दिस इज 46 3 सो माइनस 3 दैट इज 1 सो दिस इज नॉट डिविजिबल सो दिस इज आल्सो नॉट डिविजिबल दिस इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 31 किसी भी नंबर का फाइंड कर सकते हो ठीक है अच्छा लेट्स से अगर हम बोलते हैं 6859 चेक करो ये 19 से डिविजिबल है कि नहीं 19 कोई कोई होगा अभी गेस कर रहा है नहीं ये है कि 19 का क्यू चलो मैं चेक कर रहा हूं पहले तो 19 का रूल बताओ 19 का रूल में 1 एंड 0 कौन सा नंबर है 171 हां वेरी केयरफुल ये 1 छोड़ दो क्या बचा 17 यानी इसमें 17 से मल्टीप्लाई करना होगा अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात सुनो सुनो हमने अभी तक क्या बताया अच्छा एक सेकंड वो जो समथिंग है ना वो समथिंग का एक नाम है आप बता दो द नेम इज ऑक्युलेटर सो एवरी प्राइम नंबर हैज एन ऑक्युलेटर No, every prime number has two operators. ठीक है? Operator मतलब जिससे multiply करता हूँ, उसका एक नाम दे दिया। जैसे 7 के लिए operator क्या था? 2. नहीं, जैसे याद करोगे 7 के लिए operator क्या होता? -2.
क्या कर रहे थे तू सेवन का नहीं हुआ याद रखने का तरीका हो गया सेवन के लिए हर प्रकार ध्यान से सुन जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे अब हम उसको एक नाम दे देते हैं ऑक्युलेटर एक्चुअली वही होता है हर प्राइम नंबर का एक ऑक्युलेटर तो हमने निकाल लिया कैसे निकाला टेबल वन एंडिंग नंबर का वन हटा के जो बाकी का पार्ट है दैट इज द ऑक्युलेटर फॉर दैट प्राइम नंबर बट दैट इज ओनली वन ऑफ द ऑक्युलेटर्स वो भी कौन सा वाला माइनस वन ठीक है अब आगे उसमें एक चीज और ऐड करें इन्फॉर्मेशन हर प्राइम नंबर के दो ऑक्युलेटर्स होते हैं एक नेगेटिव वाला और एक पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला कैसे निकालोगे वो आप जानते हो पॉजिटिव वाला कैसे निकालोगे वही प्राइम नंबर उसमें ऐड करते हैं जैसे 19 का ऑक्युलेटर कितना था -17 तो दूसरा वाला कैसा है उसमें 19 ऐड करो तो +2 सो हर एक प्राइम नंबर के जो दो ऑक्युलेटर है नेगेटिव वाला आप टेबल से निकालोगे पॉजिटिव वाला प्राइम नंबर ऐड करके निकालोगे ठीक जैसे 7 के लिए 7 के लिए जो पहले निकाल चुके हो कौन सा था -2 था तो दूसरा क्या होगा +5 ठीक है 13 के लिए क्या निकाला था आपने -9 दूसरा क्या होगा +4 सो फॉर एवरी प्राइम नंबर देयर आर टू ऑक्युलेटर सो देयर विल बी टू वेज ऑफ चेकिंग द रिड्यूसिबिलिटी आल्सो देयर विल बी टू वेज ऑफ चेकिंग द रिड्यूसिबिलिटी देन द क्वेश्चन हम कौन सा यूज करें बड़ा सिंपल है छोटा वाला छोटा वाला ठीक है ना जो छोटा वाला हो हाँ यानी तकलीफ कब शुरू होगी जब छोटा वाला ही खुद बड़ा हो जाए तब तक ये शुरू हो जाएगा पॉजिटिव मतलब प्लस लेट्स 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 19 ये वाला 685 नंबर चेक करते हैं ये ना 19 के लिए चेक करना है 19 का रूल क्या बना -17 या फिर प्लस अभी हम दोनों करेंगे पहले मैं -17 करके दिखाता हूँ सो इनटू 17 करना है तो 17 इनटू 9 दैट इज 153 इसमें से सबट्रैक्ट होगा 53 285 देन लास्ट डिजिट को हटा दो इनटू 17 दैट इज 34 सबट्रैक्ट करेंगे 53 माइनस 34 इज 19 इज इट यूजर बाय 19 यस दिस आल्सो यूजर दिस आल्सो ठीक है इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि 17 का टेबल तो हमको डेफिनेटली याद होता है तो दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं बस आपको यही ध्यान रखना है कि कब ऐड कर रहे हैं कब सबट्रैक्ट कर रहे हैं जो ऑक्युलेटर आपने टेबल में से लिया वन एंडिंग वाले नंबर में से लिया वो उसके लिए माइनस करो दूसरे वाले के लिए प्लस करो जैसे अगर मैं इसी को प्लस टू वाले से करूं तो कैसे करूंगा ध्यान से देखो 6859 9 इंटू 2 18 और उसको प्लस करो तो 13 10 6 7 वापस से 3 इंटू 2 तो 6 ऐड करेंगे 76 ठीक अगर 76 भी नहीं याद है तो इनटू 2 19 ठीक है तो एंड तक आ जाएगा ये टेंशन नहीं लेना कि प्लस करने से तो बढ़ जाएगा नहीं एक डिजिट तो कम हो रहा है हमेशा सो हर एक स्टेप में अगर चार डिजिट का नंबर है तो चार स्टेप में एक सिंगल डिजिट तो आ ही जाएगा ठीक है सो जो भी आप चाहो आप इस्तेमाल कर सकते हो अभी ओवरऑल क्या बोला फॉर एवरी प्राइम नंबर मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट बाय द ऑक्युलेटर ऑक्युलेटर क्या होता है टेबल एंडिंग का टेबल में वन एंडिंग नंबर का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज नेगेटिव ऑक्युलेटर उसमें से प्राइम नंबर ऐड कर दो तो पॉजिटिव ऑक्युलेटर तो हर प्राइम नंबर के दो ऑक्युलेटर होंगे ठीक नेगेटिव वाले के लिए सबट्रैक्ट करना मल्टीप्लाई करने के बाद पॉजिटिव वाले के लिए ऐड करना मल्टीप्लाई करने के बाद ठीक है यूजुअली छोटा वाला इस्तेमाल करें तो अच्छा रहता है So, how do you check whether number is divisible by 13? Let's say 714368. 13 के लिए क्या रूल था? -9 और दूसरा क्या बन जाएगा? +4. तो देखो, I think 4 वाला इस्तेमाल करें. लेकिन 4 वाला इस्तेमाल करना तो ध्यान रखना. उसमें add करना है. तो अगर 5 या 6 डिजिट है तो 4 या 5 बार करना पड़ सकता है करेक्ट सो 8 इंटू 4 32 ऐड करना है फिर 8 इंटू 4 32 ऐड करना है फिर 8 इंटू 4 32 ऐड करना है फिर 9 इंटू 4 36 ऐड करना है ठीक है 110 दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 13 द ओरिजिनल नंबर इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 13
ठीक है, थोड़ा फोकस करके करना पड़ेगा, जिसका जिसके लिए कर रहा है सिर्फ उसी में ध्यान रहे, है ना। चलो तो ये हो गया डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर प्राइम नंबर। अभी एक आईबीएम का क्वेश्चन है, देखो देयर इज अ नंबर ए बी सच दैट ए बी इज अ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर सच दैट सेवन बी, वन सेकेंड, टू बी माइनस ए इज सेवन के वन एंड सी बी such that 4b plus c is 13k. Find the largest number which will definitely divide two into AB into CB। तो ये एक नहीं दो तीन बार ही पूछा गया है, अलग अलग शब्द ये। ये जो नंबर AB such that 2B minus A is 7K1 and CB such that 14 plus C is 13K2. Find the largest possible number, or largest number which will definitely divide 2 into 18 into CD. Arey yaar, aise karoge tum log? This is a hardly a question now. 2 into 3. Largest possible number which will definitely divide. See, understand? अरे हमने अभी अभी प्राइम नंबर्स का डिविजिबिलिटी टेस्ट किया है, दिस इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर सेवन, उसको तुम ए माइनस टू बी लिखो या टू बी माइनस ए लिखो, डजंट मैटर, लास्ट डेट मल्टीप्लाई में सबट्रैक्ट करना रिमेनिंग सेम थिंग एंड द नाइज ए माइनस टू बी इक्वल टू माइनस सेवन के वन स्टिल डिविजिबल बाय सेवन राइट, इसको भी सीधा करके लिख दो सी प्लस फोर डी, यही तो है। So this is the divisibility test for 7. This tells us that this number must be divisible by 7. So jo AB number hai, it is divisible by 7. Jo CD number hai, yeah, this is the divisibility test for 13. Last digit multiply by 4 and add. This is a direct question. Okay? So uske liye, so CD is divisible by 13. Now listen again very carefully. This is tricky part now. AB is a two digit number. So, what are the possible values of AB? It will start from 14. So, 14 ho sakta hai, 21 ho sakta hai, 28 ho sakta hai, sare. Now, similarly, CD is a multiple of 13. Wo kya ho sakta hai? 13, 26, 39, ye sare ho sakte. Now, the question. Ab ye jo part hai, iske baad wala ye logical part hai, ye important hai. This is a way of saying the largest definitely. What the largest number which will definitely divide? टू इंटू ए बी इंटू सी डी, अगर ऐसा है बिना ए बी और सी डी के बारे में जाने इतना तो बता ही सकते हैं, नंबर्स विच डिवाइड दिस वन एंड टू, ये दोनों तो हेड है जो उसको डिवाइड करेंगे। इसको जानने के बाद दोबारा से समझो, मेरा लॉजिक समझो, बिना ये जाने इतना तो बता ही सकते हैं द नंबर्स विच डिवाइड दिस वन दिस प्रोडक्ट आर वन एंड टू, इसको जानने के बाद हम और क्या बता सकते हैं, सेवन एंड फोर्टीन, ठीक है, और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू इंटू सेवन टू इंटू थर्टीन राइट, तो सेवन इंटू थर्टीन टू इंटू सेवन इंटू थर्टीन, सो ऑल ऑफ दीज नंबर्स विच विल डेफिनेटली डिवाइड दिस नंबर दिस प्रोडक्ट, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है। अगर आप यहां से वन से शुरुआत नहीं करेंगे तो यू विल नॉट अग्री कि ये लार्जेस्ट कैसे हुआ। माय सिंपल क्वेश्चन इज, अगर अभी भी किसी का डाउट है तो व्हाट आर द अदर नंबर्स अदर देन दिस विच विल डिवाइड दिस, कैन इट बी लार्जर देन दिस, ये सबसे बड़ा है, बाकी जो भी नंबर इसको डिवाइड करेंगे वो इससे तो छोटे ही होंगे, डोंट फॉरगेट, चांस नहीं डेफिनेट चाहिए, कैन यू डेफिनेटली से दैट दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3, कैन यू डेफिनेटली से दैट, नहीं ये तो है, ये सिर्फ ये बताया कि सेवन से डिविजिबल है, 21 होगा, 42 होगा, 63 होगा,
तो भी इसे डिविजिबल होगा लेकिन पक्का नहीं बता सकते। तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके लिए क्लियर हो कि इससे तो डेफिनेटली डिविजिबल होगा ही। करेक्ट, क्योंकि है ना ये टू इंटू ए बी इंटू सी के, तो भी सेवन से डिविजिबल होगा ना, थर्टीन से डिविजिबल होगा ना, टू से डिविजिबल तो होगा। इट्स अ प्रोडक्ट राइट, इट्स अ मल्टीप्लिकेशन। We are considering the numerator to be the smallest and then we are thinking as if the denominator is the largest. हमको बस ये देखना है कि ऐसा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जिसे पक्का डिवाइड होगा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिसे पक्का डिवाइड होगा, उससे बड़ा कौन सा, टू, उससे बड़ा कौन सा, सेवन, उससे बड़ा कौन सा, थर्टीन, तो जो सबसे बड़ा होगा। अच्छा, इसके अलावा कोई नंबर है क्या जिससे आपको पता हो कि डेफिनेटली डिवाइड होगा? इनके अलावा कोई और नंबर है क्या इंडिविजुअली? इनके अलावा कोई नंबर है क्या? नहीं, लेकिन आगे भी नंबर हो सकते हो। अब जो नंबर बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इनके कॉम्बिनेशन से बनेंगे। कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं? 2 इंटू 7 हो सकता है, 2 इंटू 13 हो सकता है, या फिर 7 इंटू 13 हो सकता है, या फिर 2 इंटू 7 इंटू 13 हो सकता है। उनमें देख लो सबसे बड़ा कौन सा। दोबारा से ध्यान से समझने की कोशिश करो, डेफिनेटली वर्ड जो है वो सबसे क्रूशियल है। Can you say about any other number which will divide this one? Definitely, for sure, no. किसी और से divide होगा कि नहीं होगा हम पक्का नहीं बता सकते। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा इसमें? 2 into 7 into 13 is the largest one. और divide करो कितना हो रहा है? So this product is definitely divisible by 180. इससे बड़े किसी से हो सकता है मालूम नहीं, बट ये सबसे बड़ा नंबर है जिससे definitely divisible है। ठीक है, normally people misunderstand, ये तो minimum है, नहीं ये तो दिख रहा है, इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं, यही लार्जेस्ट है, ये मैक्सिमम, बाकी जो होंगे इससे छोटे होंगे। सर AB 7 कैसा है? CD 13 पता चलेगा AB। अच्छा सर, 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था? 21, हां 2, सॉरी लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सबट्रैक्ट, सो देयर इज अ टू डिजिट नंबर AB, लास्ट डिजिट क्या है B, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 2B, माइनस करो तो क्या दिख रहा है? ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन था। चलो अब आगे बढ़ते हैं।